हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी तक हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव, देखा है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, देखे हमने पार्टनरशिप, देखे हैं सोल प्रोप्राइटर। अब ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो लगता है हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी रहता है, इसके कुछ टर्म्स हैं ऐसे जो समझ नहीं आते, तो आज के टॉपिक में इतना ईजी से समझ में आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी तो जॉइंट्स मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी नहीं है पार्टनर्स भी नहीं है, पार्टनर्स या वन टू और मोर देन टू में पार्टनर्स आते हैं। अगर जॉइंट है तो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि साथ मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बहुत सारे एसोसिएशन ऑफ, इसका मतलब कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिनका एक मोटो है कि उनको इस प्रोडक्ट से लेके काम करना है या उनका इंटरेस्ट है, तो वो एक साथ ग्रुप फॉर्म करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें होता क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, वो अपना अपना कुछ कुछ परसेंट बिजनेस को चलाने के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद उनका वो रिटर्न उस शेयर के उस उतने परसेंट का शेयर उनका बुक हो जाता है। अगर उनका प्रॉफिट अर्न हुआ बिजनेस का, तो जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उतना कुछ परसेंट का शेयर अब उनको इंटरेस्ट के तौर पर हर मंथ मिलेगा। तो इसका इजी सिंपल मीनिंग क्या दिया है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कि तीन चार लोग मिलके बिजनेस फॉर्म करने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मिलके जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कंपनी मतलब कि इसकी आइडेंटिटी अलग होती है। ये जितने भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है, एक ही पर्सन है जो चला रहे हैं, उनसे अलग होती है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे तो उस पर्सन के नाम पर नहीं होंगे, उस कंपनी के नाम पर होंगे। उस कंपनी का अलग सील होता है और अलग सिग्नेचर होता है, मतलब अब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो उस कंपनी से लेके होंगे। तो ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। इसको चलाने के लिए जो ग्रुप रहता है, जो पर्सन आए रहते हैं, वो जॉइंटली इसको रन करते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक कंपनी होती है तो वो उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वो औरों से अलग होती है। अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लो एक राजू है, राजू नाम का कोई बिजनेस चला रहा है, तो राजू के नाम से नहीं हम उनको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करेंगे। उसका बिजनेस का नाम है, मान लो कि कुछ है कि क्यूरियस नाम है उसके बिजनेस का, या ABC एंटरप्राइज है, तो ABC एंटरप्राइजेज हैज एंटर्ड इनटू ट्रांजेक्शन, इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो अब ABC एंटरप्राइजेस के नाम से चलेगा, जो उसका प्रोप्राइटर है यानी कि राजू, उसके नाम से नहीं चलेगा। तो ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आया, आर्टिफिशियल एक पर्सन बन गया ABC एंटरप्राइजेस, जिसके नाम से अब हम बिजनेस चलाएंगे। अब ये लॉ, क्योंकि अब कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज़ रहती है जिसमें हमें जाम पार करनी पड़ती है, तभी वो एक्चुअली एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या कंपनी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो वो जैसे ही लॉ के थ्रू उस कंपनी का अप्रूवल आता है, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन एज अ कंपनी तैयार हो गया। उसके बाद बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब वो औरों से अलग होगा, उसके मेंबर से अलग होगा, उसके प्रोप्राइटर तो होगा नहीं जो भी है उसमें, उससे अलग होगा, उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी। उसके नाम से, कंपनी के नाम से आप किसी को कोर्ट में लेके जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, या कोई उस कंपनी के नाम से आपके ऊपर जो है केस है वो फाइल कर सकता है। यानी जो भी काम होंगे वो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हम सामने रखेंगे वो एक कंपनी को रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा परपेक्चुअल सक्सेशन। परपेक्चुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये जो कंपनी है, अभी तक हमने पढ़ा कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, ये हो गई, तो अगर कोई पर्सन है, ये जॉइंटली बाय ग्रुप ऑफ पीपल से ये रन करते हैं, तो अगर कि कोई पर्सन की जो पार्टनर है इसका, उसकी डेथ हो गई या कंपनी में किसी का रिटायरमेंट हुआ, उससे ये कंपनी वाइंड अप नहीं होती है। ये लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है, तो ये लॉ के थ्रू ही वो एंड होगी। इसका मतलब ये चलते ही जाती है, इससे जितने पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं, या इसके कोई पार्टनर की डेथ हो रही है या कोई मेंबर की डेथ हो रही है, उससे उस कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी को एंड होना है तो वो थ्रू लॉ ही एंड होती है, उसको बोलते हैं परपेक्चुअल सक्सेशन। उसके बाद आता है कॉमन सील। अब कंपनी है तो वो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन एंटर करेगी, तो इतने सारे पर्सन हैं उनके नाम से वो ट्रांजैक्शन पे नहीं आएगी, उसका उस कंपनी का खुद का एक कॉमन सील होगा, उसका साइन होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि एक कंपनी ने ट्रांजैक्शन हमसे कंप्लीट किया, या जो भी लेन देन है उस कंपनी के सील के नाम से होगा। उसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जो रहेगी, अब पर्सन है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारा लॉस हो, बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी होते हैं ना एक कंपनी को चलाने के लिए, तो जो लाइबिलिटी होगी पर्सन की, ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन किए, तो इसमें लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल में
उतना परसेंट उनकी लाइबिलिटी भी होगी कि भाई आप इतना इन्वेस्ट किया। तो या तो कुछ जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो एक पेपर डॉक्यूमेंट तैयार होती है, उसमें डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन कितनी लाइबिलिटी या कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, उस पेपर के हिसाब से वो कंपनी रन करेगी। और एक बात ये आ जाती है कि जो पूरी लायबिलिटी है, पूरा एक्सपेंडिचर सिर्फ एक पर्सन पे नहीं जाता, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब जैसे कि पब्लिक कंपनी में हमने ये देखा था कि हम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हैं। अब इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, अगर किसी पर्सन के कुछ शेयर्स हैं वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं थोड़ा, लेकिन पूरा बंद नहीं कर सकते ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो आज का था हमारा ये टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज के टॉपिक में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।